इस वक्त हम मौजूद हैं आरके कॉलेज के आगे और यहाँ पर LIC ऑफिस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर से लगातार 3 दिनों से बुलडोजर चल रहा है इस रास्ते में और अभी देख सकते हैं कि कुछ लोग खुद से अपना घर तोड़ रहे हैं। जैसे ये बताइए कि आपका घर तोड़ा जा रहा है, अतिक्रमण है कुछ जो भी चलिए मौसम मुका फूल दवाई करे वो बड़का दुख दलक बैसल भरि दिना उड़िया पुड़िया लगे जूठल फूसल लगे नया घर बनबे के लिए है ना तुरंत तोड़वा दिलक अहाँ सबके पहले नहीं कल के प्रशासन की अहाँ सब नहीं नहीं कुछ ना कल कुछ ना बहुआ हमरा सबके भन किओ नहीं रहे कितने का नुकसान हुआ आप लोगों का। हाँ बहुत नुकसान हुआ। हाँ बहुत नुकसान भ कद लग के सब चीज नाश कद लग घर में सबटा चीज वो सब फेंक लै बड़ी झाड़ी में फेंक लै सारा सामान सब बुझलखिन। आप समझ सकते हैं एक गरीब महिला है जिसका घर अतिक्रमण को खाली करने के लिए तोड़ा गया है और कि इनका कहना है कि इन लोग इसी घर में रहते थे लेकिन इनका घर तोड़ दिया गया है तो हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा उपेंद्र साहब। अच्छा यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा तो चलिए हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा अनीतू कुमारी है। अच्छा आपका भी घर तोड़ा गया? हाँ मेरा भी घर तोड़ गया यहाँ बगल में है। तो अतिक्रमण को खाली किया जा रहा, क्या खुश है आप लोग? नहीं हम लोग खुश नहीं है, नोटिस भी नहीं दिया तोड़ दिया मेरा मतलब का तोड़ दिया। नोटिस देना चाहिए ना, 10 दिन पहले कोई भी चीज तोड़ता है तो नोटिस देना चाहिए लेकिन नोटिस नहीं दिया। बिना नोटिस का? बिना नोटिस का तोड़ दिया। खुद से तोड़ रहे आप लोग घर? नहीं वो लोग तोड़वा रहा है। अच्छा अभी तो आप लोग देखे की खुद ही तोड़ रहे थे? नहीं हम लोग तोड़वा रहे थे, देखे ना किराम खड़ा है। अच्छा बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा? नहीं तोड़ के चला गया, अचानक तोड़ के चला गया। अच्छा कितने बजे तोड़ा गया? परसों तोड़ा गया शाम में 2 बजे के आसपास। अच्छा देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी इसको घर को तोड़ा गया। इस घर को आप देख सकते हैं अभी भी उसी तरह से रॉड ईटा बालू सब रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले बुलडोजर चला है और लगातार 3 दिन से ये बुलडोजर चल रहा है। अभी भी देख सकते हैं आप बुलडोजर यहीं पर खड़ा है और लगातार तोड़ा है। आपने तो नहीं तोड़ा, बुलडोजर ने तोड़ा। कुछ लोग खुद से तोड़ रहे हैं? नहीं नहीं अभी वो लिंटर काट रहा है, कुछ से तोड़ नहीं रहा। जो जो जैसे है ना वो जैसे वो देख रहे हैं पिलर है अंदर का, बोला देखिए कि बोला हटाने के लिए आपने सरकार। क्या नाम बात ये भी हम बोलेंगे। मेरा नाम गुलाम रसूल हुआ, हम आज से यहाँ पे नहीं यहाँ पे मोटा मोटी 5-6 साल से किराए पे हैं। जब से यहाँ पे आए हैं तब से यहाँ पे ना रोड है अच्छी सी बना हुआ और ना बनिया से दोनों तरफ नाला है। एक सेकंड, जब से हम 5-6 साल से यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं अभी भी हमारा 7वां साल चल रहा है ना, आज तक दोनों तरफ ना नाला है, कहीं पे नाला नहीं है। आप कैमरा घुमा के लिए सरकार रुपया 1200 कर्मन सरकार का जमीन है खाली करवा दे, खाली कर देता हटाए देगी सब दुकानें तोड़ देंगे। क्या खाएगी बाल बच्चा, क्या रहा कहाँ रहेगी बाल बच्चा? तो क्या आपको प्रशासन ने नहीं कहा था कि नहीं कहा? कोई नोटिस नहीं कहा, कोई नहीं कहा। यहाँ पे जो JCB कागज लेके आधा घंटा हुआ तोड़ना चालू कर दिया। तो क्या आप लोग ने प्रशासन से नहीं कहा कि हम लोग को कोई नोटिस नहीं है? तो कोई नहीं बोले ना, कागज लेके एक आदमी आया बोला कि टूटेगा 6 घंटा बाद, तुरंत तोड़ने लगा। यहाँ पे जो यहाँ देख लीजिए दोनों तरफ कहीं नाला नहीं है, पड़ते यहाँ 5-6 साल से रह रहे हैं किराया पे, मकान अपना दुकान है मेरा वहाँ सामने में, आज तक रोड यहाँ पे नहीं है। अब प्रत्येक दिन 2-4 मयूरी पलटी खाता है, किसी का हाथ पांव टूटता है यहाँ पे। आज तक आपको क्या लगता है कि अतिक्रमण खाली हो जाएगा तो सड़क नाला बन जाएगा? पहले तो उससे पहले नाला भी यहाँ नहीं ना है, नाला रहता तभी ना समस्या का है हमको कि यहाँ पे 4x4 मतलब NH बन जाएगा, NH बस का बन जाएगा, बस चलेगा, बस जाने के लिए टाउन में रास्ता है, टाउन को साफ किया गया है, यहीं तक ले सिर्फ है NH, टाउन में जाएगा इधर से बस, चाहा NH बन गया है यहाँ से तो, लेकिन पास किया गया है NH के लिए, टाउन में जाने दिया जाएगा ट्रक को इस रोड से, सो बताया जाए हमको। अतिक्रमण खाली करना हो रहा है, बताइए हमको अतिक्रमण अभी क्या चीज का हो रहा है? नाला का कल का भी पेपर में दिया था कि अतिक्रमण नाला मुख, तो नाला है कि मकान है? नाला है या मकान है? मकान कहीं है तो बताइए, लोहा पट्टी में और इसके बाद स्टेशन मोहल्ला में और महिला कॉलेज रोड में क्या हुआ है नाला का? तो फिर मकान क्यों टूटा, मकान क्यों तोड़ा गया? ये साजिश है ना, बहुत जाएगा मकान कहीं नहीं है। सूचना नहीं दिया, नोटिस दिया है, आया ने मौका दिया हटाने के लिए, सीधा आया बुलडोजर चला दिया, सीधा बुलडोजर चला दिया, एक दिन बुलडोजर अच्छा यहीं पे क्या कर रहा है? ये 3 तल्ला घर है, हमको योगी सरकार से कहना है ये 3 तल्ला घर सामने में
गाड़ी बुलडोजर, हाँ गरीबे के ऊपर चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, पाए वाला के ऊपर नहीं चल रहा है। पाए वाला सब तो वही सब घूस लेता है, हम लोग का घर तोड़वाता है, पाए वाला सब घूस लेता है, गरीब आदमी के घर तोड़वाता है। पूरा टूटेगा तुम यहाँ से 70 फीट रोड चौड़ा हो गया, आया सिर्फ नाप लिया, एक हाथ में एक किसी का भी पैसा वाला का पैसा नहीं बता देता, पैसा दे दिया नगर पालिका को और बंद कर दिया सब चीज। तो सीधा सीधा यहाँ पर आरोप लग रहा है कि गरीब के घर पे बुलडोजर चल रहा है, वही अमीर के घर के ऊपर घूस लेकर के बुलडोजर नहीं चला रहे। नाराज है यहाँ के लोग, पैसा लेता है घूस लेता है और गरीब सब को तोड़ देता है। अमीर लोग का किसी का टूटा है, गरीब का उजाड़ दिया दुकान, मेरा कितना नुकसान किया, 1.5 लाख सामान नुकसान कर दिया, फ्रिज डी फ्रिज पूरा टूट गया, छोटे बुलडोजर चला दिया, एक बार सोचना नहीं दिया कि कौन सोचना नहीं मिला, नहीं सोचना को एक बार नहीं मिला। तो ये बता रही है महिला कि इनके घर में फ्रिज था, फ्रिज को भी तोड़ दिया गया, इन लोगों को कोई सोचना नहीं दिया गया था और डायरेक्ट बुलडोजर आती है और घर पर बुलडोजर चला देती है। तो यहाँ पर लोग आक्रोशित इसलिए है कि सिर्फ गरीब के घर पर बुलडोजर चल रहा है, अमीर के घर पर नहीं चल रहा है। तो आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद।